हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं दुबई के पूरे एक्सपेंसेस के बारे में कि अगर आप दुबई शिफ्ट हो रहे हो तो आपको पूरे ईयर का और मंथली बजट कितना होना चाहिए, वो मैं आज आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दुबई के एक्सपेंस के बारे में। तो ये जो मैं पूरा एक्सपेंसेस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो एक फैमिली के लिए, यानी एक कपल है उनके लिए पूरा हमने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले, अगर आप जॉब के लिए आए हो दुबई में और आपके स्पाउस को आपको बुलाना है, तो मिनिमम आपका जो भी सैलरीज होता है एज पर दुबई लॉज के हिसाब से 4000 एड होना चाहिए, आपके पास दिरहम होना चाहिए। अगर वो होता है तभी उन दुबई के लॉ के हिसाब से आप आपके स्पाउस को बुला सकते हो, वो इजीली सबको ऐसी जॉब मिल जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि आज मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उसका पूरा आपको रफली एस्टिमेट देती हूँ, 8200 दिरहम जितना आपका ओवरऑल कॉस्ट रहता है। तो ये किस तरह से हमने पूरी अमाउंट बनाई है वो वन बाय वन मैं आपके साथ एक एक पॉइंट के साथ डिस्कस करती हूँ। सो हम बात कर रहे हैं सबसे पहला पॉइंट आता है रेंट। जो भी वहां पे शिफ्ट होता है, खुद की प्रॉपर्टी तो अभी नहीं लेने वाला, तो रेंट के अंदर मिनिमम कॉस्ट आपका लगता है 3000 से लेके 3800 दिरहम के आसपास। और हाँ, दुबई के नियर बाय आप शारजाह में जाते हो तो वहां पे आपको और कम कॉस्ट लगेगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, शारजाह दुबई के अंदर का नहीं, वो अलग लोकेशन पे होता है, लेकिन आप दुबई और शारजाह इजीली ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आपको और कम रेंट में जाना है तो आप शारजाह में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको रेंट काफी कम मिलेगा कम्पेयर टू मेन दुबई, राइट। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हुआ। सो सेकेंड पॉइंट आपका है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में सबसे पहला काउंट होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड वन होता है वाटर बिल। ये दोनों आपको यूटिलिटीज में काउंटिंग होते हैं और उसका मिनिमम कॉस्ट रहता है आपका 300 से लेके 700 दिरहम तक का पूरा मंथली आपका रहता है। तो ये आपके काउंट में होना चाहिए, आपके चेकलिस्ट में होना चाहिए। अभी नेक्स्ट आता है आपका गैस बिल। गैस बिल के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ गैस, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है और दूसरा गैस वाला होता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है तो यहाँ पे ऊपर वेबसाइट दी गई है, वहाँ से आपका वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होके आता है। तो वही वेबसाइट से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें ही काउंट हो जाता है, जिसका नाम देवा है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं सिलेंडर्स के बारे में और गैस की पाइपलाइन के बारे में। गैस की पाइपलाइन अगर आप यूज करते हो तो आपको 90 to 100 दिरहम आपके लगेंगे, और अगर सिलेंडर लेते हो तो आपको 60 दिरहम के आसपास कॉस्ट लगेगा, जो अप्रोक्सीमेटली आपका सिलेंडर 2 महीने तक चलेगा। तो आप इजीली इस तरह से काउंट कर सकते हो कि आपको पाइपलाइन में जाना है या फिर सिलेंडर लेना है। सो अब हम बात कर रहे हैं वाईफाई के बारे में। वाईफाई के अंदर आपके पास काफी ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ पे दो कंपनीज है, दोनों के नाम मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये दोनों कंपनीज वहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है जिसका वाईफाई परचेस कर सकते हो। उसका अप्रोक्स कॉस्ट 300 to 500 दिरहम जितना लगता है। उसके अंदर आपके पास आता है सबसे पहले लैंडलाइन। लैंडलाइन में ज्यादातर दुबई में काफी लोग लैंडलाइन यूज करते हैं, तो लैंडलाइन के अंदर आप लैंडलाइन टू लैंडलाइन फोन कर सकते हो जिसका आपको कॉस्ट नहीं लगेगा। पर अगर आप वहां से अदर नंबर पे कॉल करते हो तो आपको उसका बिल आएगा, जो वाईफाई के बिल के साथ आता है उसके साथ एड ऑन सर्विसेज में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आप रेगुलर सर्विसेज आपको वाईफाई की मिलेगी, सेटअप बॉक्स मिलेगा, तो आपका टीवी वगैरह का कनेक्शन भी उसके साथ मिल जाएगा। तो ये पूरा आपका कॉस्ट रहा 300 to 500 वाईफाई का। अब हम बात करते हैं मोबाइल बिल के बारे में। मोबाइल बिल सबकी अलग अलग यूसेज के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया से या कोई कंट्री से मूव हुए हैं दुबई में तो आपके इंटरनेशनल कॉल्स ज़्यादा लगेंगे, तो आपको उसी तरह से यूज़ करना है। आपको लोकली कॉल्स करना है तो आप उसी तरह से आपका चार्जेस वाले पैकेजेस होते हैं वो आपको अपडेट करवा सकते हो। तो उसका जो कॉस्टेस रहते हैं 25 to 50 दिरहम रहते हैं, उसके अंदर से आपको मैनेज करना रहेगा। पर हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि आपका यूजेस किस तरह का होता है उसके ऊपर ही हमेशा रहता है। किसी का ज़्यादा रहता है, इंटरनेशनल कॉस्ट ज़्यादा रहते हैं, तो फिर उनकी बिल्स ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इट्स पर्सन टू पर्सन होता है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रॉसरी, क्योंकि इसके बिना तो किसी का नहीं चलेगा। तो अगर आप नए नए होते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका एस्टिमेट, आपका जो बजट है वो भी बन नहीं पाएगा। तो आप जैसे परचेस करने जाते हो तो फर्स्ट टाइम का आपका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहेगा कि आप कुछ ज्यादा ही परचेस करके आओगे और आप लंबा चौड़ा आपका बिल बन जाएगा। उसको भी लेके भी आप टेंशन में आ जाओगे, यार इतना सारा बिल और इतनी सारी चीजें किस तरह से करना होता है। बट धीरे धीरे आपको मार्केट पता चल जाता है, तो आप उसी तरह से आपका बजट बना के
जो भी चीजें परचेज, क्योंकि उसमें ना दोनों टाइप के पर्सन होते, एक ज्यादा हेल्थ को लेके हेल्थ कॉन्सियस होके उसी तरह की ग्रोसरीज लेते हैं या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं, और दूसरे होते उनको सिर्फ जो रेगुलर सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो उसी तरह का परचेज करते हैं। तो दोनों कैटेगरीज के जो भी ग्रोसरीज होती है उसके कॉस्ट भी वेराइड होते हैं। तो मिनिमम हम काउंट करें तो 1000 से 1500 दिराम जितना कॉस्ट बनता है ग्रोसरी के लिए। तो वो डिपेंड होता है कि आप आपका जो भी लाइफस्टाइल किस तरह की है, आपका डेली फूड हैबिट किस तरह की है, वो भी मैटर करता है। तो उसके हिसाब से आपका पूरा बजट इसका बनेगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, क्योंकि जो भी फैमिलीज मूव होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ किड तो होते ही है, 1 या 2 जो भी होता है, तो उनको एजुकेशन के लिए दुबई में काफ़ी सारी स्कूलिंग है, लाइक इंडियन स्कूल्स है, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियन, बहुत सारी स्कूलिंग है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री से आए हो, कौन सी कंट्री से माइग्रेट हुए हो, और आपकी जो भी कंट्री के हिसाब से स्कूल है उसके अंदर आपके बच्चे को डालना है, तो उसी हिसाब से स्कूल्स की फीस रहती है। तो मिनिमम 1000 से 1500 दिराम तक रहती है, बट अगर आपको हाई फाई स्कूल में रखना है तो आपकी 5000 तक और उससे भी ज़्यादा फीस बन जाएगी। तो आपको उसी तरह से देखना पड़ेगा कि आपका जो भी किड है उसका स्कूलिंग कौन सी स्कूल में, कौन सी कंट्री के स्कूल टाइप है, उसी में आपको भेजना है। उस तरह से आपका पूरा काउंटिंग रहेगा एजुकेशन के एक्सपेंसेस में। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वहाँ पे, एक आप लोकल में ट्रैवल कर सकते हो और दूसरा आपके पास कार होती है। तो अगर लोकल में करते हो तो नोल कार्ड आता है जिसका मंथली एक्सपेंस आपका रहेगा 500 दिराम के हिसाब से, और अगर आप खुद की कार से जाते हो तो आपका 800 के आसपास फ्यूल का कॉस्ट रहेगा। तो डिपेंड होता है, बिकॉज ऑफ नोल कार्ड के अंदर अलग अलग उनके पैकेजेस रहते हैं कि आपको वीकेंड पे जाना है या पूरे दिन के लिए ट्रैवल करना है या पूरे मंथ के लिए अप एंड डाउन करना है, तो आपको वो जिस तरह का आपका कार्ड होगा उसी तरह से आपको सर्विसेज मिल जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहते हो या फिर आप खुद की कार लेके जाना चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं डाइनिंग के बारे में। आप रहते तो हो आराम से, आपकी जॉब वगैरह अच्छी चलती है, लेकिन वीकेंड पे लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप दुबई में हो और दुबई को एक्सप्लोर नहीं करते हो तो ऐसा कभी मत करना, बिकॉज ऑफ बहुत सारी कंट्री से लोग दुबई स्पेशल घूमने आते हैं। तो दुबई में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे आप घूम भी सकते हो और आप अच्छा खाना भी खा सकते हो। तो ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ दुबई में आए हो फिर यहाँ पे सेटल हो रहे हो, जॉब कर रहे हो और आपकी लाइफ जी रहे हो, पर ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ भी बैलेंस होनी चाहिए, थोड़ा आप जॉब करो, थोड़ा सेविंग करो और थोड़ा डाइनिंग यानी घूमने के लिए या फिर थोड़ा खाने पीने के लिए भी टाइम और मनी इन्वेस्ट करते जाओ, तो क्या आपकी लाइफ पूरी बैलेंस रहती है। तो उसके अंदर आपके जो एक्सपेंसेस आते हैं 100 से 200 दिराम जितने लगते हैं, और अगर अगर हाई फाई होटल्स या फिर कुछ कैफे वगैरह में जाते हो तो उसका कॉस्ट फिर आपकी जिस तरह की प्लेस है और आप जिस तरह से आपका मेनू कार्ड में से आप जो मंगाते हो उसके ऊपर आपका कॉस्टिंग रहता है। अब हम बात करते हैं हाउस हेल्प के बारे में। तो हाउस हेल्प के लिए दुबई में काफ़ी आपको एजेंसीज मिल जाएंगी, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक तो आर्ली बेसिस पे आपको मिनिमम 25 दिराम के हिसाब से स्टार्ट होने वाले भी आपको मिल जाएंगे, और आपको लगता है कि आपको पूरे महीने के लिए चाहिए तो 700 to 1500 इन बिटवीन आपको मिल जाएंगे हाउस हेल्प के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको पूरा उनको आपके घर पे ही रखना है तो एजेंट्स इसके साथ आपका जो भी टाइप्स होता है उसी तरह से आपको रखना पड़ता है, जिसमें एजेंसी का भी थोड़ा बहुत कमीशन रहता है और जिसको रखना है उसको आपके घर में रखना है, तो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो ही आपको देखनी पड़ेगी। तो उनका फिर कॉस्ट बढ़ जाता है, 1500 दिराम से लेकर स्टार्ट होता है। फिर वो डिपेंड होता है कि कैसी टर्म्स एंड कंडीशन है, कितने फैमिलीज लोग हैं, उनकी पूरी एक्टिविटीज किस तरह की रहती है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर इंडिया से आप हो और इंडिया से किसी को आपको बुलवाना है हाउस हेल्प के लिए, तो उनके लिए फिर वीजा वगैरह का भी प्रोसीजर रहता है। तो वो सारा जो भी कॉस्ट होता है वो आपको एक बार प्लॉट आउट करना चाहिए कि आपके जो एक्सपेंसेस है उसके अंदर ये जो आपका एक्सपेंस वो किस तरह से मैच होता है। बट मैंने आपको रफली बता दिया 700 से लेके 1500 और 1500 से लेके 2000 तक वो रहता है। डिपेंड होता है कि एवरीडे की है, आर्ली बेसिस की है, या फिर आपके घर में रह के आपके साथ ही आपको सपोर्ट करेंगे, तो इसी तरह का पूरा रहता है। तो ये रहा आपका ओवरऑल दी बजट। सो फ्रेंड्स, आज की दुबई के पूरे एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, तो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।